नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com। विंग कमांडर अभिनंदन भारत वापस आ चुके हैं। लोगों ने अपने अपने तरीकों से उनका स्वागत किया। देश में जो टेंशन का माहौल था वो खत्म हुआ, पर नेता लोगों की भी तो अपनी नौकरी है, उन्हें नेतागिरी करनी है तो वो पूरी रफ्तार से चालू है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस मामले को लेकर कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग उन पर बरस पड़े हैं, खूब खरी खरी सुनाई आ रही है। सलमान खुर्शीद ने ट्वीट क्या किया था पहले वो जान लीजिए। उन्होंने लिखा, विंग कमांडर अभिनंदन को बहुत बहुत बधाई। आपने भारत की तरफ से दुश्मनों का सामना किया, संकट के वक्त में शानदार संतुलन और आत्मविश्वास दिखाया। हमें गर्व है कि वह वर्ष 2004 में एयरफोर्स में शामिल हुए और यूपीए के शासनकाल के दौरान कुशल फाइटर पायलट बने। मतलब हद ही है, वो यूपीए कार्यकाल में अच्छे पायलट बने, इसका भी क्रेडिट। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको जम के घेरा, हजारों लोगों ने ट्वीट किए उनके विरोध में, पर सबसे तगड़ी मौज ली उनकी कवि कुमार विश्वास ने। उन्होंने लिखा, मैंने 2004 में मारुति जेन खरीदी थी यूपीए का चारों टायरों की ओर से, और सलमान साहब का मडगार्ड की ओर से आभार। खुर्शीद साहब को हमारा भी आभार पहुंचे, हम भी इसी कार्यकाल में हाईस्कूल और इंटर पास हुए थे। खैर, मामले में विवाद बढ़ता देख सलमान ने सफाई दी है। कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान हमला हुआ था, मैंने कहा था कि जिसने हमला किया वह हमारे कार्यकाल के दौरान वायुसेना में कमीशन था। मैंने सिर्फ सच कहा था, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। हाँ, खुर्शीद साहब तो बड़े भोले हैं, वो क्रेडिट थोड़ी ना ले रहे थे, वो तो सिर्फ फैक्ट माने सच बता रहे थे। हर नेता को दरअसल हिंदुस्तान में जो उसके मुख से निकल जाए वो सच ही लगता है। यही हाल इन नेताओं के समर्थकों का भी है, उन्हें भी अपने नेता की कही सारी बातें एकदम 100% खरी लगती हैं, पर हमें सही ही सही और गलत ही गलत लगता है, वो हमने आपको बताया। अब आपको कौन सी बात सही लगी, कुमार विश्वास की या सलमान खुर्शीद की, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।